हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहते हैं कि पिता के सपनों को उसके वही बेटे या बेटियां साकार कर पाते हैं जिनमें जज्बा हो पिता के पद चिन्हों पर चलने का। ऐसा ही कुछ नजर आया भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर में। सरहदी बाड़मेर में दो भाइयों ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए सैकड़ों लोगों को देवभूमि हरिद्वार की यात्रा के लिए गुरुवार को खास ट्रेन से रवानगी ली। बाड़मेर में दो भाइयों ने अपने गाँव के साथ आसपास के गाँवों के सैकड़ों लोगों को इस यात्रा में शामिल किया। जब अलमस्त सुबह खास ट्रेन देवभूमि के लिए रवाना हुई तो लोगों का उत्साह देखते बनता नजर आया। बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए यह ट्रेन रवानगी तो हमेशा लेती है, लेकिन गुरुवार को इस ट्रेन की रवानगी से पहले बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर खास चहल पहल दिखी। उसकी वजह थी एक पिता के सपने को साकार करने का दो भाइयों का मानस जो धरा पर उतरता नजर आया। दरअसल बाड़मेर के उद्यमी तन सिंह चौहान ने अपने गाँव के लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करवाने की बात कही थी, लेकिन चौहान अपनी बात को पूरा करने से पहले दुनिया से विदा ले गए। स्वर्गीय तन सिंह चौहान के उस सपने को उनके दोनों बेटे जोगेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह चौहान ने पूरा करने का बीड़ा उठाया। अपने गांव और आसपास के गांवों के लोगों से मंत्रणा की। देवभूमि की यात्रा के लिए सैकड़ों लोगों की सूची तैयार की गई और उसमें से 250 लोगों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। इस यात्रा में शरीक होने वाले लोगों के मुताबिक इस तरह की यात्रा में हिस्सेदार बनकर बेहद रोमांचित है। बाड़मेर से निकला यह जत्था बाड़मेर से बीकानेर चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश भी इस जत्थे का पड़ाव रहेगा। इस यात्रा के यात्रियों को रवाना करने के लिए बाड़मेर जिले के प्रथम नागरिक बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और बाड़मेर शहर के प्रथम नागरिक सभापति दिलीप माली भी पहुंचे। दोनों ने ही समाज सेवी तन सिंह के बेटे को उनके कदमों पर चलने वाला बताने के साथ इस यात्रा को मिसाल बताया। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए एक साथ एक गांव और उसके आसपास के 250 लोगों की इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर ली। पूरी यात्रा में जहां रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई, वहीं वापसी पर भव्य जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। अपने पिता के सपने को पूरा करने जा रहे युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आगामी 15 अप्रैल को उनके पिता की पुण्यतिथि है और पिता का एक अधूरा सपना था जिसे पूरा करने का बीड़ा उठाया है। सरहदी बाड़मेर में ट्रक ड्राइवर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले तन सिंह चौहान राजस्थान के सबसे बड़े आयकर दाता रह चुके हैं। बीमारी की वजह से इस दुनिया को अचानक छोड़कर जाने वाले तन सिंह चौहान के दोनों बेटे अपने पिता की समाज सेवा की परिपाटी को लगातार बढ़ाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि आज सरहदी बाड़मेर में आज तन सिंह चौहान की ही तरह उनके दोनों बेटे समाज सेवा के पद पर अग्रणी नजर आते हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर जिला परिषद के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी उन्होंने ये कहा, दो भाई एक साथ 250 लोगों को ऋषिकेश हरिद्वार की यात्राएं करवा रहे हैं, अपने आप में कितना अनूठा और कितना सुखद है इस तरह की पहल। देखो स्वर्गीय तन सिंह जी हमेशा गांव के लोगों के बीच में, बाड़मेर के लोगों के बीच में रहे, समाज सेवी रहे। उनके दोनों ये पुत्र हैं, उनका भी मन अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति है। और जिस तरीके से सबसे बड़ा तीर्थ के रूप में माना जाता है, इन लोगों के मन में अपने गांव के लोगों के प्रति वहां तीर्थ के रूप में भेजना और वापस करना सुखद अनुभव उनको खुद का है और ये हिंदू धर्म में भी है। इस कारण से उनके मन से ये जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। दो दिन के दिवसीय कम से कम 250 से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मेरी ओर से भी इन लोगों को शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से समाज की सेवाएँ करते रहें। इस तरह की पहल जो होती है, इस तरह के जो नवाचार होते हैं, अपने आप में कितने अनुकरणीय होते हैं, ये इस तरीके के होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, दूसरे लोगों के भी होता है, जो सक्षम लोग हैं और जो इस तरीके के कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुरराम मेघवाल की रिपोर्ट।